भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मूलकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग की शक्ति भाव ज्ञान देने वाले मेरे परम प्राणाधार सदगुरु भगवान ही है, उनकी कृपा करुणा आशीर्वाद से ही भाव जागते हैं, ज्ञान जागता है और मन में हर्ष उल्लास और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। गुरु की महिमा गाने में, गुरु के ज्ञान की चर्चा करने में विशेष आनंद आता है, सुनने वाले को भी और सुनाने वालों को भी। आज का जो सत्संग है, महाराज जी फरमा रहे हैं कि सतगुरु जब नामदान देते हैं तो शिष्य के अंदर अपनी शक्ति डाल देते हैं, स्वशक्ति शिष्य के अंदर डालकर उसके अंदर आत्मा की जोत जगा देते हैं। गुरु जो शक्ति का संचार करते हैं, ये भी बहुत एक रहस्यपूर्ण बात है। गुरु शक्ति का संचार किस प्रकार करते हैं या शिष्य के अंदर कौन सी पात्रता देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा आज सत्संग है। और गुरु किस प्रकार शिष्य के चंचल मन की चंचलता को हटाकर आनंद सागर में शिष्य के मन को लय करके उसके मन को हमेशा के लिए शांत कर देते हैं और शिष्य दिन प्रतिदिन परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने लगता है। महाराज जी फरमाते हैं कोई भी जिज्ञासु सदगुरु के चरणों में पहुंचता है, गुरु अपनी दिव्य शक्ति से और अपने मंत्र की दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उस जिज्ञासु के जन्म जन्मांतरों के धर्म संस्कार को देख लेते हैं। गुरु को ज्ञान हो जाता है ये जो भक्त आता है इसके पीछे जन्मों के संस्कार कैसे थे या कौन से इसके अंदर भाव रहे, इसके विचार कैसे थे और ये किस प्रकार की भक्ति करता था, ये सब बातें गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से अपनी मंत्र शक्ति से जान जाते हैं और उसी प्रकार उसको पिछले जन्मों के कर्म संस्कार और उसकी धारणा, उसकी भगवत प्रेम को देखते हुए गुरु उसे किसी भी एक स्वरूप में ध्यान में ध्यानिस्त कर देते हैं और ध्यानिस्त करते हुए गुरु अपनी शक्ति शिष्य के अंदर डाल देते हैं और उसके मन को मंत्रित कर देते हैं, यानी कि परमात्मा के स्वरूप में लय कर देते हैं। गुरु जब शिष्य को मंत्र देते हैं, मंत्र देने के पहले सबसे पहले यही पूछते हैं कि तुम्हारे इष्ट कौन है, ये मर्यादावश पूछते हैं, कौन से भगवान के तुम इस जन्म में पूजा अर्चना करते हो। उसी बात को देखते हुए, मद्देनजर को रखते हुए गुरु उनके इष्ट के स्वरूप में उनका मन ध्यानिस्त करते हुए इष्ट का नाम और रूप का ध्यान शिष्य को देकर ज्ञान की दीक्षा देते हैं। दीक्षा के समय गुरु शिष्य को नाम और रूप दो चीज का ध्यान देते हैं,
रूप कौन सा, जिस इष्ट के प्रति उस जिज्ञासु की भावना रही, भक्ति रही, उसी इष्ट का रूप दे देते हैं गुरु, और उन्हीं इष्ट के पवित्र नाम से गुरु उस शिष्य को के मन को मंत्रित कर देते हैं। जैसे किसी भक्त के पिछले जन्मों के इष्ट भगवान राम रहे, उसी अनुसार वह भक्त इस जन्म में भगवान राम की मन भक्ति करता हो, जब वह गुरु चरण में नाम लेने जाता है, गुरुदेव पूछने पर बताता है प्रभु मेरे इष्ट राम है, और राम के नाम से गुरु उस जिज्ञासु को मंत्रित कर देते हैं, और राम के स्वरूप के ध्यान, स्वरूप के ध्यान में उसके मन को ध्यानिष्ठ कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसका मन जो संसारिक नाम रूपों में फंसा हुआ था, अब अपने इष्ट भगवान राम के रूप में उसका मन लय होने लगता है, और संसार के जो अनेक नाम, अनेक विचार उसके मस्तक में घूम रहे थे, अब केवल एक ही विचार घूमता है, कौन सा, गुरु का दिया हुआ इष्ट का नाम, उसी को गुरु मंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार गुरु अपनी शक्ति से शिष्य को राम के स्वरूप का ध्यान में ध्यानित कर देते हैं, उसके मन को, और राम के नाम से उसके मन को पावर दे देते हैं, शक्ति दे देते हैं। गुरु की दी हुई शक्ति को पाकर उस शिष्य का जो चंचल मन पहले संसार में भटक रहा था, संसारिक बातों में घूम रहा था, और जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ था, संसार चक्र में फंसा हुआ था, वह शिष्य अब संसार चक्र से मुक्त होकर गुरु के दिए हुए इष्ट के स्वरूप के ध्यान में ध्यानिष्ठ हो जाता है, और गुरु के दिए हुए नाम को जपते हुए वह भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ने लगता है। ऐसा महान उपकार गुरु का होता है शिष्य के लिए। इसीलिए कबीर ने कहा, कबीरा गुरु गोविंदों खड़े आके लागे पाए, बलिहारी आपने जिन गोविंदियों मिलाए, ये गुरुदेव मैं आपके चरणों में बलिहारी जाता हूँ, आपने मुझे गोविंद से मिला दिया, इसलिए मेरे लिए आप मेरे प्राणों के आधार हैं, मैं प्रथम नमन आप ही को करूं, क्योंकि मुझे जो गोविंद की प्राप्ति हुई वे गुरुदेव केवल और केवल आपकी कृपा से प्राप्त हुई। इसीलिए धर्म ग्रंथों ने कहा है कि गुरु का उपकार शिष्य के लिए बहुत महान है, इसीलिए शिष्य को हर पल अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु गीता में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को गुरु की महिमा को बताते हुए कुछ लाइनें बताई, वे क्या है, गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग, मुख में गुरु के ब्रह्म है, गुरु की दया महान, दया करे गुरुवर यदि मिल जाए भगवान। जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे और गुरु के दिखाए हुए साधना को अपनाएंगे, गुरु की इतनी कृपा बरसती हम पर, गुरु हमें भगवान से मिला देते, यानी कि हमारे जीव बुद्धि को ब्रह्म में बना देते हैं,
मकार बना देते हैं हमारे तुच्छ संसारिक स्वरूप को, विशाल ब्रह्ममय ब्रह्माकार बना देते हैं। ऐसी गुरु की अपार कृपा और दया होती है शिष्य पर, इसीलिए शिष्य को हर पल केवल और केवल गुरु की आज्ञा में, गुरु की भक्ति में, गुरु की सेवा में और गुरु के कार्यों में ही लगा रहना चाहिए। गुरु की सेवा से शिष्य अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को काट लेता है, नित्य इन कर्म फलों को भुगतने के लिए शिष्य को बार बार जन्म बार बार मरण लेना पड़ता है। जैसे संस्कार खत्म होते हैं मृत्यु आ जाती है, शिष्य और कर्म कर बैठता है, उनको भुगतने के लिए फिर जन्म लेता है। गुरु की सेवा से जन्म मरण के चक्कर सब समाप्त हो जाते हैं। और भी आध्यात्मिक राह पे बाधाएं आती हैं, बाधाएं सब टल जाती हैं, गुरु की सेवा इतनी महान है। फिर कई भगत ऐसे होते हैं जो भगवान को निराकार रूप में भजते हैं, भगवान को एक शक्ति के रूप में भजते हैं और वो भगवान के सर्वव्यापक निराकार निर्गुण तत्व के जिज्ञासु होते हैं। ऐसे भक्त को गुरु ओमकार मंत्र से मंत्रित करके उन्हें विश्व व्यापक प्रभु के प्रकाशमान स्वरूप में उनका मन को लय कर देते। गुरु क्या था अपार कृपा है शिष्य पर। जब गुरु इस प्रकार शिष्य को सर्वव्यापक निर्गुण निराकार विश्वव्यापी प्रभु के प्रकाशमान स्वरूप में लय कर देते हैं तो शिष्य धन धन हो जाता है, जीवन दिव्य बन जाता है, संसार चक्र से हटकर ऐसा शिष्य जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त जब तक जिज्ञासु गुरु के शरण में नहीं जाता है तब तक उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती, और परमानंद की प्राप्ति ना कर वे दुख सागर में मोती खाता रहता है। इसीलिए इस संसार समुद्र को, दुख के समुद्र को पार करने के लिए गुरु का शरण लेना, गुरु के नाम जाप करना, गुरु के ध्यान में बैठना, गुरु की सेवा करना प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य है। गुरु नर रूप में साक्षात भगवान होते हैं, हमने पाया बाप रामलाल जी लक्ष्मण भगवान के साक्षात तो दर्शन नहीं हुए, ध्यान में होते हैं। आज सुबह भी ध्यान में महाप्रभु जी ने अपार कृपा करके दासी को दर्शन दिए, प्रेम रस बरसाया और अपने हाथ से भरत हंसते गिलास भर के चरणामृत पिलाया। ऐसी कृपा तो ध्यान में प्रभु जी करते हैं, परंतु साक्षात हमने उनके दर्शन नहीं करे, ना ही मुल्कराज प्रभु जी के दर्शन करे, साक्षात हमने देवीदास भगवान जी के दर्शन करे। उनको हमने नर रूप में नारायण पाया, जिस प्रकार भगवान क्षण भर में भक्त के मन को जानकर हर प्रकार से उस पर दया करते हुए उसके कष्ट को हर लेते हैं, उसकी हर मनोइच्छा पूरी करते हैं, इसी प्रकार मैंने पाया हमारे योग योगेश्वर अनाधार सतगुरुदेव स्वामी देवीलाल महाराज जी ने
भक्तों के लिए भगवान बनकर भक्तों के सारे का सवारे, निर्धन को धन, संतान को संतान, रोगी को निरोगता, जो जन्म और मृत्यु से जूझ रहे थे वो जीवन दान, जो भगवान के दर्शनों के लिए प्यासे थे उनको भगवत प्राप्ति, भगवान के दर्शन कराना, अनेक अनेक जीव घटनाएं मेरे गुरुदेव ने भक्तों के जीवन में घटित करी। अभी एक प्रभु जी ने दयाल योग कृपांजलि नाम कर एक पुस्तक छपवाया, जिस पुस्तक में कम से कम 101 दिव्य घटनाएं है जो घटनाएं भक्तों के जीवन में घटी थी। मैं चाहूंगी कि आप सभी भक्त एक एक भगत कम से कम 5-5 या 10-10 पुस्तकें अपने पास रखें और इनका प्रचार करें। जितना गुरु की महिमा का प्रचार करोगे उतनी गुरु की कृपा आप पर बरसेगी। उस पुस्तक में कई ऐसी घटनाएं कि पढ़ते ही रोम रोम खड़े हो जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं। तो आप लोग मुझे अपने एड्रेस भेजें, मैं आप सभी को वो पुस्तक कोरियर कर दूंगी। कम से कम 5-5 कापियां कोरियर कर देती हूँ, आप आगे बांटो उन पुस्तक को। सभी मुझे व्हाट्सएप कर दे अपने एड्रेस, आपके एड्रेस में कल ही 5-5 पुस्तकों को अपना वजन देख लूंगी, जितना कम से कम खर्चे में कोरियर कर सकूं मैं कोरियर कर दूंगी। आप उन सभी पुस्तकों को पढ़े, रामनवमी में अष्टमी वाले दिन प्रभु जी ने कृपा करके उस पुस्तक का विमोचन कराया और मुझे नहीं पता कितने भगत ले गए कितने नहीं ले गए। जो भगत पुस्तक को नहीं ले गए वो जरूर ले अपने घर में रखे, क्योंकि उस पुस्तक में कुछ नहीं है, किसी का पर्सनल व्यक्तिगत कोई बात नहीं, केवल और केवल गुरु की महिमा। जिस घर में गुरु की महिमा गाई जाती है 33 कोटि देवी देवता आते हैं गुरु की महिमा सुनने के लिए। जिस प्रकार कहते हैं जहां रामचरितमानस का पाठ होता है हनुमान जी दिव्य स्वरूप में आकर सुनते रहते हैं, जहां हनुमान चालीसा का पाठ होता है हनुमान जी सूक्ष्म स्वरूप में आ जाते हैं, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी सहित पधारते हैं वो श्रवण करके गदगद होते हैं। उसी प्रकार जिस घर में देवीदल महाराज जी की अलौकिक घटनाओं का वर्णन का पाठ होगा उस घर में अवश्य देवी देवता रिद्धि सिद्धि का वास होगा। गुरु की कितनी महान दया शिष्य पर कि शिष्य के भटकते हुए मन को परमानंद सागर में डुबो देते थे, भगवान की झलक दिखा देते हैं। जब तक जिज्ञासु को भगवत प्राप्ति चाहता है भगवान के झलक दर्शन नहीं होते, तब तक उसके मन की चंचलता समाप्त नहीं हो सकती। गुरुदेव कृपा करके नाम और रूप के साथ अपनी शक्ति जिज्ञासु के अंदर प्रदान करते हुए उसे परमात्मा के झलक के दर्शन कराते हैं और वो दर्शन को प्राप्त कर शिष्य धन हो जाता है। भगवान के दर्शन की झलक प्राप्त करते ही, भगवान के स्वरूप की झलक के दर्शन करते ही शिष्य का अंतकरण शुद्ध हो जाता है। ये गुरु करते हैं, गुरु शिष्य के अंदर के विचार को शुद्ध करके विषयी मन को, जो मन इंद्रियों को लेकर विषय भोग कर रहा था उस विषय मन को आनंद सागर में गुरु डुबो देते हैं। ऐसी महान गुरु की दया होती है शिष्य के ऊपर। इसके अतिरिक्त जब तक गुरु की कृपा नहीं होती शिष्य विषयात्मक नाम रूप की वस्तुओं को
शारीरिक उद्योग से प्राप्त करके उन्हीं को सत मानने लगता है। शिष्य जब आध्यात्मिक नाम रूप को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करता है तो वो सोचता है कि ये नाम ये रूप यही सत है, और शिष्य उसी में शिष्य को सत मानता है, यानी कि असत संसार के असत दुष्टों को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करके शिष्य उन्हीं को सत मान बैठता है। सत मानकर संसार चक्र में फंसा रहता है, बार बार जन्म मरने के चक्कर में, यानी कि 84 पेड़ में फंसा रहता है। गुरु शिष्य के उस विषय मन को विषय भोगों से हटाकर भगवान के मन और इंद्रियों से परे निराकार निरंजन प्रभु से प्रत्यक्ष करा देते हैं। ये गुरु कराते हैं, क्योंकि भगवान के जो रूप है वो निराकार है, निरंजन है, मन और इंद्रियों से परे है। गुरु शिष्य के अंतरात्मा को वहां तक ले जाते हैं और ले जाकर उसे भगवान के स्वरूप के साथ अभेद कर देते हैं। फिर उस चीज को पता चलता है क्या सत है क्या असत है। सत असत का पता चल जाता है शिष्य को गुरु की कृपा से, वे असत को छोड़ देता है और सत को अपना लेता है। महाराज जी ने आज के इस सत्संग में क्या आज का सत्संग क्या है अभी आपको बताया कि सद्गुरु की शक्ति संचार का रहस्य। सत्संग में आखिर में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, वह बात क्या है कि मनुष्य के अंदर भगवान ने सर्व शक्तियों का भंडार खोले हुए हैं, खोलकर बैठे हैं। प्रभु प्रत्येक मनुष्य के अंदर सर्व शक्तियों का भंडार लिए बैठे हैं, और जिसने प्रभु के इस अनंत आनंद के भंडार की कुंजी को प्राप्त कर ली वह संसार में सर्वशक्ति संपन्न होता हुआ जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। समझ गया आप? अलवे तो अब ये अनंत आनंद की जो कुंजी है, आनंद की भंडार की जो कुंजी है, इस कुंजी को कैसे प्राप्त करें? जिसने प्राप्त कर ली वही सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है और वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। आनंद भंडार की जो कुंजी है वे केवल और केवल गुरु ही, गुरु की कृपा से प्राप्त कर सकती जा सकती है। क्योंकि कहते हैं कि महाराज जी फरमाते थे कि अंदर जिसके अंदर प्रेम जागृत हो गई उसी ने परमात्मा को पा लिया। प्रेम किसके अंदर जागृत होगी? जिसके अंदर ना भेदभाव होगा, ना राग द्वेष होगा, ना तेरा मेरा होगा, जो सबको अपना जैसा मानेगा, अपना जैसा जानेगा, और अपना जैसा जानते हुए जितना जीव अपने आप को प्रेम करता है उतना दूसरों के प्रति प्रेम करे, उतना प्रेम उससे भी ज्यादा प्रेम दूसरों से करे, ये वही कर सकता है जिसके अंदर प्रेम का सागर जाग गया हो। ये प्रेम की सप्लाई कौन करता है? प्रेम की सप्लाई केवल और केवल गुरु करते हैं। अभी कहा गया काल मूलम गुरु मूर्ति, आपके इष्ट है परंतु गुरु को प्रणाम करे बिना आप इसको नहीं पा सकते।
कई लोग गुरु को इष्ट मान लेते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। पहले तो महाराज ने मेरे से पूछा, बेटी अपने आप ही कहने लगे, मैं उन दिनों में सन 72 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएससी करने के बाद, मिरांडा से करने के बाद, मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रेडिएशन केमिस्ट्री में पीएचडी ज्वाइन कर ली। तो उन दिनों संस्कार संयोग बस गुरुदेव के चरणों में आना हुआ। गुरुदेव के चरणों में एक पत्र पढ़ने को मिला, जिस पत्र में ये लिखा कि एक मरते हुए भगत को, डूबते हुए भगत को गुरुदेव ने आकाश मार्ग से आकर उसके प्राणों की रक्षा करी। वह भगत है जलंधर का नेवराज। नेवराज डूब रहे थे, हमारे गुरुदेव देवीदास महाराज जी आकाश मार्ग से आए, डूबते हुए उठाया, उसके प्राणों की रक्षा करी। पत्र देवराज ने महाराज को लिखी, संजोग बस मेरे हाथ लग गई चिट्ठी। हम लोग महाराज जी पढ़ के सुनाते थे, समरी लिखते थे। बस पत्र पढ़ने की देर थी, चम चम आंसू, इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे नॉन स्टॉप। मुझे ऐसा लगा, रे इन्होंने उनकी प्राण की रक्षा करी, ये तो नर तो नहीं है, ये तो भगवान है। तो मुझे नर के रूप में क्यों दिखाई दे रहे, मेरा के नर रूप में क्यों बैठे हुए, ये तो भगवान है। इसका मतलब मुझे इन्हीं को पाना है। बस तड़प इतनी बड़ी, इतने में से रोने लगी। महाराज जी बोले, शाम हो गई, जाओ बेटी घर जाओ, क्यों रो रही हो। मैंने कहा, आप अगर भगवान है तो आपको तो पता ही मैं क्यों रो रही हूँ। मैं कुछ ही नहीं बोली। फिर कहने लगे, अच्छा बेटा कल हम आपको नामदान देंगे। अगले दिन आ गई मैं नामदान लेने, मुझे पता ही नहीं होता नामदान क्या होता है। मैंने माता जी से पूछा, मेरी मम्मी से, मैं कह माँ ये नामदान पिता आज गुरु जी ने नामदान देंगे। तो माँ ने सोचा कोई फल फूल होगा, कहते कोई फल फूल देते होंगे, ले लियो। तो देते ले लियो। मैं अच्छा, अलियात आ गई जी, बम्बई आश्रम में पहुंची, रेडियो वाला जा रहा था, केले लेके मेरे मन में ऐसे आ गया, मैं कह चलो जा रही हूँ, केल वाला दी चल केले ले जाती हूँ। मैं कह भैया क्या रूप, कितने दर्जन है, 2 रुपए दर्जन। मेरी माँ ना मेरे को 1 रुपये खर्ची देती थी, टिफिन बॉक्स बस पास 1 रुपया रोज का। मैं कहा भाई मेरे पास 1 रुपया खर्ची है, गुरु जी के पास जा रही हूँ, 1 रुपये का 1 दर्जन केला देना तो दे दे। इधर बेटी ले जा, 1 रुपये की 1 दर्जन केला लिया, 72 की बात बता रही हूँ। फिर मैं पहुंच गया माँ के चरणों में। मैंने कहा इष्ट बता। मैं कहा महाराज जी मुझे इष्ट नहीं पता कि इष्ट क्या होता है। कहते तू किसे प्रेम करती है। मैंने दुनिया भर की भगवान गिना दिए। घर में बहुत सारी आरती करते थे हम लोग, वो लक्ष्मी जी की आरती, नारायण जी की आरती, दुर्गा जी की आरती, हनुमान जी की आरती, और राम की आरती, शंकर की आरती, जो जो पिताजी ने जो जो सिखा रखा था, बहुत सारी आरती। हम 11 भाई बहन थे, 11 बच्चों के प्लाटून को लेके पिताजी खड़े हो जाना, माँ खड़े हो जाना, दुनिया भर की आरतियां करनी। मैंने सारे देवी देवता गिना दिया। मैं कहते हद होती है, ऐसा थोड़ी होता है, सारी देवी देवता के गिना दिए। मैं कह महाराज जी हम तो सबसे सबसे प्रेम करते हैं, सब सबकी पूजा करते हैं, सबसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। लक्ष्मी से धन मांग लिया, शंकर से दया मांग ली, और विष्णु भगवान से भक्ति मांग ली, सारे देवता हनुमान जी से रक्षा मांग ली, ऐसे कुछ ना मांगते रहता है, दर्क होती है, ऐसा नहीं होता। एक ईश्व बता। फिर मैं उन दिनों में ना, मैं रामचरित मानस पढ़ते पढ़ते ना मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। भगवान राम बड़े प्यारे लगते थे। मैं कहा देखो स्टेप मदर और इतना उनको तंग कर रही है, वो इतनी मातृ भक्ति उनके अंदर, इतनी प्रीति भक्ति है भाई के प्रति भक्ति, और इतना कष्ट सहन करके ऐसे वो लास्ट मोमेंट तक रावण को क्या लगा, रावण मेरी सीता दे दे देखो अभी माफ कर दूंगा, इतने दया के सागर। रामचरित मानस पढ़े पर मैं रोती थी। मैं कहा बाराजी मुझे ना अरे देवी देवताओं में राम सबसे अच्छे लगते हैं, चल तू राम का नाम ले। राम का नाम ले ली, दे दी राम का नाम, ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठू आधी रात को उड़ती जा रही, उड़ती जा रही कई रात ऐसे हो गई। एक दिन माँ आधी रात को उठ गई,
हमारे हरियाणा में ना लड़की को छोरी कहते हैं। कहते छोरी क्या तू बैठी हुई है, सुबह तूने पीएचडी में भी जाना है, कॉलेज में पढ़ना भी जाना है, नौकरी में स्कूल भी जाना है, क्यों बैठी हुई है। मैं कहा माँ कुछ नहीं कुछ नहीं। यार उसके अगले दिन ध्यान ही नहीं लगा। मैं कहा महाराज जी 5-6 दिन तो बड़ा मस्ती आई। एक दिन माँ ने टोक दिया आधी रात को, क्योंकि जहाँ हम लोग सोते थे ना, माँ माता पिता का कमरा दूसरा, हमारे कमरे से जाके उन्होंने वॉशरूम जाना होता था। पैर पुराने जमाने अटैच तो होते नहीं थे, बाहर होते थे बाथरूम टॉयलेट। तो कहता है देख भजन और भोजन जो है ना, एकांत में क्या कर, इसके सामने ना क्या कर, यार जो भी है। उसके बाद ब्रिजघाट का फंक्शन आया, मैं ब्रिजघाट में गई, वहां क्या देखती हूँ, गति में देवीदास महाराज जी, एक बार राम, एक बार देवीदास महाराज जी, एक बार राम। मैं तो पागल हो गई, कह के मैं कोई जादू की नगरी में तो नहीं आ गई, क्योंकि नई नई थी। अन में बैठ के आंख खोलू, महाराज जी दिखाई दे, मेरे आंख दिखाई दे, मैं डर गई। मैं कह महाराज जी कहीं जादूगर तो नहीं है, थोड़ा संशय आ गया। तो महाराज जी मुस्कुरा रहे मेरे को देख देख के। सत्संग खत्म हो गया शाम का टाइम। मैंने पूछा महाराज जी आज ना आप जी मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, मेरे को अंदर से डर लगे जा रहा था कि मैं जादू की नगरी में तो नहीं आ गई। इसे क्या देखा तूने, खाने वाले खुद ही है वो। तूने क्या देखा। मैं कहा महाराज जी आंख बंद के बैठ जाऊं, बड़ा आनंद आए, प्रकाश ही प्रकाश आए, जब बैठे तो नजारा ही नजारा। आंख खोलू तो कभी आप दिखाई देते, कभी राम दिखाई देते। बाजी यूं करके कुछ और जान हंस पड़े। कहते सिर मुनि आप फंस गई, मुझे नहीं पता क्या फंस गई होता है। ये सन 72-73 की बात, 73 की बात है, क्योंकि 72 अगस्त में मैंने नाम ना लिया था। 73 की पहली रामनवमी से हरिद्वार गई थी, फिर जून में गंगा दशहरा। भाई के टाइम में 7 दिन का कैंप होता था, आध्यात्मिक कैंप, सारा दिन भजन कीर्तन ध्यान। इस साल भी हम करेंगे, अगर कोरोना ना हुआ तो 5 दिन का कैंप रखेंगे ब्रिज घाट में। आप सारे आना, बच्चों को हम लोग वहाँ श्लोक की कम्पटिशन कराएंगे, फिर प्रभु जी की लीलाओं की कंप्लेन कराएंगे, गाथाओं की, संस्कृत श्लोक, सारा दिन पाठ ध्यान भजन चलता है। तो आप लोग आना, 9 जून को है गंगा दशहरा, उसके 5 दिन पहले से प्रोग्राम शुरू करेंगे 4 या 5 से। तो वह ऐसा नजारा, प्रभु जी ने तेरे को ये दर्शाया, जो तेरे राम है ना इष्ट, वही गुरु है, गुरु ही राम है। राम को भगवान दशरथ का पुत्र थोड़ी है, राम ईश्वर पावर है। वो पावर दशरथ के पुत्र में आ गई, वही पावर कृष्ण में आ गई, वही पावर रामलाल में आ गई, वही पावर मुलक राज में, वही पावर देवीदास में। पावर है, पावर पावर की पूजा होती है। कहते बेटा अब तेरा मन जो है ना, इतने सारे देवी देवता नहीं भटकेगा, एक गुरु, गुरु ही कृपा करो ना। मेरा दृष्टि बरसती चली गई। फिर एक बार क्या हुआ, मेरे हाथों में ना, मैं पीएचडी कर रही थी तो पोटेशियम साइनाइड एक जहर होता है, उसको यूज करके मैंने कोई रेयर अर्थ है मोलिब्डेनम का साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाना था, ऑक्टा साइन। साइनाइड यूज होता है एसीएल, तो वो यूज करा तो मेरे सारे हाथ में एक्जिमा हो गया, थोड़ा एनीमिक हो गई, एचबी कम हो गया, हिमोग्लोबिन कम हो गया। वो जहर है हाथों में, सर कहते थे जमीन थी ग्लव्स पहन के काम करा करो, तो मैं लापरवाह करती थी। कहते मास्क पहन के काम करो, मुझे अनइजी लगता था, मास्क नहीं पहना तो थोड़ा एचबी कम हो गया और हाथों में एक्जिमा हो गया, पक जाते हाथ। तो कई महीने रहा। एक बार मैं कोई सेवा कर रही थी, तो मैंने कहा जल्दी सेवा नहीं करेगी, क्योंकि तेरे हाथ में ये एक्जिमा है ना, ये फैल जाएगा, दूसरों को लग जाएगा। ओ हो ये बात बताइए। सेवा के लिए माजी मुझे रोका, तो मैं इतना रोई इतना रोई इतना रोई। मैंने कहा या तो मेरे हाथ ठीक कर दो या मेरा यही अंत कर दो।
दया आ गई महाराज जी को। फिर उस साल ये मेरे ख्याल से 75-76 की बात होगी, उस साल महाराज ने मोता जाना था 15 दिन के लिए। पीछे से गुप्ता जी को बोल गए कि गुप्ता जयंती को ना 10 मीटर 10 गज पट्टी खिलाइयो, धोती वस्त्र धोती कराइयो। तो कहा ठीक है, गुप्ता जी आप करा दोगे? कहते हैं महाराज की आज्ञा तो हो जाएगी। उन्होंने मुझे 15 दिन के अंदर क्या करा, पहले 1 गज 3 गज 5 गज 8 गज 10 गज तक खिला दी। फिर धीरे धीरे राउंड करा, मतलब 10-12 दिन में धोती बढ़ाती गई। उसके बाद प्रभु कृपा से मेरे हाथ भी कुछ ठीक हो गए। महाराज जी आए तो मेरे हाथ साफ, तब मैंने महाराज को कहा महाराज जी आप जी ने मेरे हाथ ठीक कर दिए, जिन हाथों को आप जी ने ठीक करा ऐसी कृपा करना जीवन का आखिरी श्वास तक ये हाथ आप जी की सेवा करती चले। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। तो वही गुरु की कृपा आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। आप लोग सोचते हो कि भी मैं करती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। तो भगवान अगर एक मिनट के लिए नाड़ी दबा दे बंदा तो गया, मैं क्या करती हूँ? उसकी दया, उसकी रहमत, उसकी कृपा कराती है। तो दिल में एक ही बात मांगती हूँ, प्रभु आपकी भक्ति आपकी सेवा मेरे आखिरी श्वास तक ना छूटे। तो वही कृपा करते हैं, हृदय में प्रेम बढ़ते हैं, वो प्रेम आप लोग प्राप्त करते हो। आप कहते हो, सोचते होंगे एनजी प्रेम कर रही है, एनजी प्यार करती है, एनजी को तो चलाने वाला इतना बड़ा पावर बैठा है, वही प्रेम भरता है, वही आप लोगों को देता है। आप लोग जीवन में जो भी कुछ परेशानी आती है आप लोग प्रार्थना करते हो, बस जहाँ तक पहुँचाते हो तो मैं भी आगे ट्रांसफर कर देती हूँ। जैसे हम लोग व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करते हैं ना, आप लोग से मैसेज लेके मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैं प्रभु आप ही संभालो, ये मैसेज आप तक फॉरवर्ड हो गया। तो अपने आप कृपा करते हैं, अपने आप दया करते हैं। तो लास्ट में अब सत्संग का समय खत्म होने वाला है, सत्संग का समय खत्म होने वाला है। लास्ट में एक ही हुआ के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। वो दोहा क्या है, एक संत हुए भिखादास। संत भिखादास जी वो बहुत ही ज्यादा गुरु के भक्त रहे और बहुत उच्च कोटि के संत हुए। उन्होंने गुरु की आज्ञा का खूब पालन करा, उन्होंने जो उनको साधना दी, साधना में दिन रात व्रत रहते थे और साधना में रत रहते हुए उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। उनके अंदर जो सोई हुई ईश्वर शक्ति का खजाना था ना, खजाने को पा लिया उन्होंने। इसीलिए वो अपने आप को बहुत संसार के सबसे ज्यादा हिस्स मानने लगे, जिन्होंने भगवान का आनंद का भंडार को पा लिया। उससे उन्होंने ये जाना कि संसार का सारा खजाना मैंने पा लिया, जैसे मैं सारा खजाने का मालिक बन गया। तो ये केवल उनके पूर्व आज्ञा का पालन करने से और अंत तक साधना करने से उन्होंने ऐसी प्राप्ति करी। तो भिखादास जी संत कहते हैं, आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर लो, तो वैसे माइंड में रखना चाहते तो रख लो, भीखा भूखा को नहीं, कोई भूखा नहीं है कोई भीखा नहीं है, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, सबकी गठरी लाल। इसका मतलब सबकी गठरी में हीरे लाल द्वारा सब कुछ है, गांठ खोल नहीं जानते, गठरी का गांठ को हम लोग खोलना नहीं जानते। इसी विधि भये कंगाल, गठरी को जो अनमोल खजाने की गठरी अंदर
उसको खोलना नहीं जानते, इसलिए हम कंगाल हो गए, महादरिद्र हो गए। इसका मतलब हम दुखी हो गए, संसार समुद्र में गोते खाने लग गए, कष्ट पाते हैं और हर पल भगवान को कोसते हैं, हे भगवान आपने इतना कष्ट दे दिया, हे भगवान ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, हे प्रभु मैं क्यों दुखी हूं। हम भगवान के ऊपर दोष देते, परंतु असली में क्या है, भगवान की वो दिव्य शक्तियों का खजाना हम सबके अंदर है, परंतु उस खजाने की गठरी है हम खोलना नहीं जानते, खोलना नहीं जानते तो हम कंगाल बन गए, अपने आप को कंगाल मानने लगे। इसलिए संत दिक्कतदास जी का ये कथन बहुत ही प्यारा लगता है, फीका भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, सबके अंदर हीरे लाल ज्वारा सब कुछ है, यानी कि परमात्मा अनंत भंडार की कुंजी लेकर घर के घर में विराजमान, काट खोला नहीं जानते ये कंगाल। अगर हम गुरु के शरण में चले जाए, गुरु हमें जाने की घाट खोलने का तरीका बता देते, हम कुछ करके उस तरीके को अपना के घाट को खोलने में सक्षम हो जाते हैं, हम धनी हो जाते हैं, यानी कि भगवान के आनंद रूपी भंडार की कुंजी को पाकर धन धान हो जाते हैं। इसीलिए सारी बातों का एक ही सहार है, दिन रात लगे रहो भक्ति में, पूजा में, ध्यान में, भजन में, परिहित में, सेवा में, स्वाध्याय में, सत्संग में, जितने परमार्थिक कार्य है सभी में लगे रहो, एक दिन उस मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो मुल्कराज जी हमेशा फरमाते रहे, बारा जी फरमाते थे कि मंजिल दूर है अपनी, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम होवे। मंजिल दूर है, मंजिल तक वही पहुंच सकता है जो हमेशा ताजा दम में रहे, यानी कि हमेशा जो पुरुषार्थ करे। हिम्मत ना हारिए, विसारिए ना राम, भगवान को नहीं भूलो, गुरु को नहीं भूलो, हिम्मत मत हारो। चींटी जब पहाड़ की चढ़ाई चढ़ती है ना, एक बार गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, एक दिन वो मंजिल छोटी तक पहुंच ही जाती है। उसी प्रकार जीवन में हम चढ़ाई करना चाहते हैं तो कई बार पांव फिसल भी जाता है, गिर भी जाते हैं, पर हिम्मत नहीं आना चाहिए। एक गुरु की नाम, गुरु का ध्यान, गुरु की शक्ति, गुरु की सेवा, उसकी साधना को हम साथ रख के तब मंजिल हमसे दूर नहीं, ना हम मंजिल से दूर। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सुखदेव भगवान की जय, बोलो योगेश प्रभु रामलाल जी की जय, जय हो भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। लास्ट में एक ही हुआ के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। वो दोहा क्या है, एक संत हुए भिखादास, संत भिखादास जी वो बहुत ही ज्यादा गुरु के भक्त रहे और बहुत उच्च कोटि के संत हुए। उन्होंने गुरु की आज्ञा का खूब पालन करा, उन्होंने जो उनको साधना दी, साधना में दिन रात व्रत रहते थे और साधना में रत रहते हुए उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। उनके अंदर जो सोई हुई ईश्वर शक्ति का खजाना था ना, खजाने को पा लिया उन्होंने। इसीलिए वो अपने आप को बहुत संसार के सबसे ज्यादा हिस्स मानने लगे, जिन्होंने भगवान का आनंद का भंडार को पा लिया।
उससे उन्होंने ये जाना कि संसार का सारा खजाना मैंने पा लिया, जैसे मैं सारा खजाने का मालिक बन गया। तो ये केवल उनके पूर्व आज्ञा का पालन करने से और अंत तक साधना करने से उन्होंने ऐसी प्राप्ति करी। तो भिकादास जी संत कहते हैं, आप लोग नोट करना चाहते तो नोट कर लो, तो वैसे माइंड में रखना चाहते तो रख लो, भीखा भूखा को नहीं, कोई भूखा नहीं है कोई भीखा नहीं है, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, सबकी गठरी लाल, इसका मतलब सबकी गठरी में हीरे लाल द्वारा सब कुछ है, गांठ खोल नहीं जानते, गठरी का गांठ को हम लोग खोलना नहीं जानते, इसी विधि भये कंगाल, गठरी को जो अनमोल जाने की गठरी अंदर उसको खोलना नहीं जानते, इसलिए हम कंगाल हो गए, महा दरिद्र हो गए, इसका मतलब हम दुखी हो गए, संसार समुद्र में गोते खाने लग गए, कष्ट पाते हैं और हर पल भगवान को कोसते, हे भगवान आपने इतना कष्ट दे दिया, हे भगवान ये नहीं मिला ये नहीं मिला, हे प्रभु मैं क्यों दुखी हूं, हम भगवान के ऊपर दोष देते हैं, परंतु असली में क्या है, भगवान की वो दिव्य शक्तियों का खजाना हम सबके अंदर है, परंतु उस खजाने की गठरी है हम खोलना नहीं जानते, खोलना नहीं जानते तो हम कंगाल बन गए, अपने आप को कंगाल मानने लगे। इसलिए संत भिखादास जी का ये कथन बहुत ही प्यारा लगता है, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, सबके अंदर हीरे लाल जरा सब कुछ है, यानी कि परमात्मा अनंत भंडार की कुंजी लेकर घरे के घर में विराजमान, काट खोला नहीं जानते, ये कंगाल। अगर हम गुरु के शरण में चले जाए, गुरु हमें जाने की गाठ खोलने का तरीका बता देते, हम कुछार करके उस तरीके को अपना के गाठ को खोलने में सक्षम हो जाते हैं, हम धनी हो जाते हैं, यानी कि भगवान के आनंद रूपी भंडार की कुंजी को पाकर धन धान हो जाते हैं। इसीलिए सारी बातों का एक ही सार है, दिन रात लगे रहो भक्ति में, पूजा में, ध्यान में, भजन में, परिहित में, सेवा में, स्वाध्याय में, सत्संग में, जितने परमार्थिक कार्य है सभी में लगे रहो, एक दिन उस मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो मुल्कराज जी हमेशा फरमाते रहे, बारा जी फरमाते थे कि मंजिल दूर है अपनी, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम होवे। मंजिल दूर है, मंजिल तक वही पहुंच सकता है जो हमेशा ताजा दम में रहे, यानी कि हमेशा जो पुरुषार्थ करे, हिम्मत ना हारिए, विसारिए ना राम, भगवान को नहीं भूलो, गुरु को नहीं भूलो, हिम्मत मत हारो। चींटी जब पहाड़ की चढ़ाई चढ़ती है ना, एक बार गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, एक दिन वो मंजिल छोटी तक पहुंच ही जाती है। उसी प्रकार जीवन में हम चढ़ाई करना चाहते हैं तो कई बार पांव फिसल भी जाता है, गिर भी जाता है, पर हिम्मत नहीं आना चाहिए। गुरु की नाम, गुरु का ध्यान, गुरु की शक्ति, गुरु की सेवा, उसकी साधना को हम साथ रख के सब मंजिल हमसे दूर नहीं, ना हम मंजिल से दूर। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वसुदेव भगवान की जय, बोले योगेश्वर रामलाल जी की जय, जय हो भगवान की जय, जय हो भगवान की जय, जय हो।